तकलीफ न दे जिशान भाई हाय हाय नहीं वंज बाबा मैं को नहीं वंज बाबा कोई नहीं वंज बाबा मैं को नहीं वंज बाबा कोई तकलीफ न दे जी कर जा चावे ते मैं पैदल टुर दी मौला सलामत रखे अल्हम्दुलिल्लाह मालिक आपसे मुझसे मोहम्मद हुसैन सरदारी साहब से अल्लाह परवरदिगार अपने प्यारों की ड्यूटियां ले रहा है। इस बात पे हमें शुक्र करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 55 साल 60 साल हो गए हैं माशाल्लाह नोहाखानी में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी लोग कहते हैं कि हसन सादिक बूढ़ा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बेशक मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह बाल भी सफेद है, दाढ़ी भी सफेद है, बुढ़ापा है, मगर जिनका मैं जिक्र करता हूँ मेरे गले को बूढ़ा नहीं होने दे रहे जी। ये जिक्र का कमाल है, ये जिक्र वालों का कमाल है, जिक्र का कमाल है। तो अभी पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में भी, सिंध में भी हसन सादिक को जो जो भी कॉपी करता है, कॉपी नकल कभी भी असल नहीं होती। जैसा कि नदीम सरवर भाई को बहुत लोग कॉपी करते हैं, बहुत लोग कॉपी करते हैं, मगर नकल हैं असल नहीं बन सकते, क्योंकि असल को मौला सलामत रखे, नदीम भाई को मौला अपनी पनाह में रखें। वो एक ही नाम है पूरे वर्ल्ड का जी। शुरू के 2 नाम हैं, नदीम भाई और हसन सादिक। तो ये लोग जो कॉपियां करते हैं, ये कल आए हैं। हमें आधी सदी हो गई है इन पाकों की ड्यूटी में। कॉपी नकल कभी भी नहीं बन सकती, नकल कामयाब होती नहीं, ये पुराना चलता आ रहा है। और अगर कोई कहे कि फलां हसन सादिक को छोड़ दें, फलां को बुला लें, हसन सादिक को क्या फर्क पड़ेगा इससे, क्योंकि हसन सादिक को मौला हुसैन ने बनाया हुआ है। ये जो कलाम मैंने शुरू किया हुआ है यार आप कोई मासूमान, इस कलाम ने मुझे हसन सादिक बनाया है, जनाबे सैयदा ने बनाया है। इसको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। सुभान अल्लाह। और